दोस्तों गूगल के ऊपर यूरोप में 2.7 बिलियन डॉलर का एड्स के मामले में मुकदमा दायर हुआ है, इस तरह की न्यूज निकल के आ रही है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि गूगल किस तरह सा एड दिखाता है जो इस तरह का काम हुआ है। खैर वो अलग मैटर है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का पहला कोर्ट कहाँ है? पता तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। 26 जून 1945 में द कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया था, जो नीदरलैंड में बनाया गया था, और ये दुनिया का पहला कोर्ट है जो बनाया गया था। इस तरह की कुछ अपडेट, आपको ये चीज़ पता है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम अरदा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि आपको क्या पसंद है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ पसंद है, लेकिन इन तीन ऑप्शन में क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा वोट आए, 76% लोगों ने कहा कि बाइक पसंद है, 17% लोगों ने कहा दोनों पसंद है, और 7% लोगों ने कहा स्कूटर। आपको क्या पसंद है कमेंट में जरूर बताएं। पहली अपडेट के साथ बढ़ते हैं, तो बात करते हैं बोट ने। बोट स्ट्रोम जीपीएस करके एक नया तरह का स्मार्ट वॉच को लॉन्च कर दिया, जो 1149 रुपए में है। काफी जबरदस्त है, ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह सब कुछ सपोर्ट करता है, तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद। अगली अपडेट आ रही है बिग बिलियन डे सेल की तरफ से। 26 तारीख से ये सेल शुरू होगा। जो अर्ली एक्सेस वाला रहेगा वो 26 सितंबर से लेगा एक्सेस, और जो हमारे जैसे गरीब बंदे हैं वो 27 से एक्सेस कर सकेंगे। इस पे एक वीडियो आएगा, सारी डिटेल देंगे, इसके लिए स्टे ट्यून करिए, सब्सक्राइब करिए। अगली अपडेट आ रही है एप्पल की तरफ से। हमने कल के टेक न्यूज में बताया था कि लेट हो गया था टेक न्यूज देने में, तो आईफोन के बहुत सारी चीज लॉन्च हुए हैं, आईफोन 16 भी लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 16 और 16 प्लस की। ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन 16 6.1 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है, 18 बायोनिक चिप देखने को मिलता है, 48+12 का रियर कैमरा और 12 का सेल्फी कैमरा। बात करते हैं जो प्लस वाला है, उसमें सिर्फ 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम है, 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं प्रो की, तो प्रो में आपको देखने को मिलता है 6.3 इंच का 120Hz वाला डिस्प्ले, 48:12 और 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 12 का सेल्फी कैमरा। वहीं बात करते हैं इसी का प्रो मैक्स की, तो उसका डिस्प्ले 6.9 इंच का है 120Hz के साथ, और दोनों में प्रो में और प्रो मैक्स में A18 प्रो बायोनिक चिप देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको अच्छा निकाल के देगा। इसमें भी 12:48 और 48 का रियर कैमरा, 12 का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, इंडिया का प्राइस जो निकल के आया है, आईफोन 16 का प्राइस निकल के आया 79,128 GB वाला से शुरू होता है। आईफोन 16 प्रो का जो प्राइस निकल के आया है 128 वाला 1,19,000 रुपये, और प्रो मैक्स का जो निकल के आया है 256 वाला 1,44,000, इस तरह का कुछ है। वैसे वर्ल्ड वाइड जो इसका प्राइस निकल के आया है $799 आईफोन 16 का, और आईफोन 16 प्लस का जो है $899। तो इस प्राइस में आपको ये जस्टिफाई लगता है। वैसे लुक एंड डिज़ाइन नया आया है जो देख सकते हैं, एक एक्शन बटन कैमरे के लिए दिया गया है, बाकी ओवरऑल पहले के जैसा सब कुछ सेम है। बात करते हैं 3-4 अलग अलग कलर पे आया है, लेकिन बात करते हैं एयरपॉड्स मैक्स की। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लॉन्च हो चुका है, और इसका प्राइस जो निकल कर आया है अगर देखा जाए यूरोप के प्राइस, तो $549 कन्वर्ट करेंगे अगर तो 48,000 रुपये होता है, तो इस प्राइस में लॉन्च हुआ है। वहीं इनका एयरपॉड 4 मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा, एयरपॉड 4 और एयरपॉड 4 एक एनसी के साथ भी लॉन्च हुआ है, जिसमें से एयरपॉड 4 जो नॉर्मल वाला है $129, मतलब 12,500 रुपये में इंडियन मनी के हिसाब से, और एक 17,999 में मिल रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं इनका वॉच S10 सीरीज भी लॉन्च हुआ है, जो $399 से शुरू होता है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो 41,000-42,000 रुपये होता है, और एक $499 जो लगभग 56,000 का होता है। वहीं बात करते हैं इसका अल्ट्रा जो है, वही तकरीबन समझ लीजिए 87,000-89,000 रुपीज़ के मामले में ये लॉन्च किया गया है, इस तरह का कुछ है। वहीं बात करते हैं इसका जो सॉफ्टवेयर है iOS 18, ऐसा बताया जा रहा है कि 16 सितंबर को ये लॉन्च होगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। लेकिन आईफोन 16 जैसे ही लॉन्च हुआ है, तो उसी के साथ ही साथ प्राइस भी यहाँ पर घट गया है जो प्रीवियस वाला है। जैसे आईफोन 15 का प्राइस 10,000 घट गया है, 79,990 रुपीज़ में मिलता है, जो 128 GB वाला है वो घटकर अभी 69,900 में आ गया है। तो इसी तरह से जितने भी आप प्राइस लिस्ट देख सकते हैं कि सब घटा है। वैसे आप लेना चाहेंगे ये फोन अपने हिसाब से कमेंट में। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। विजय आनंद का सवाल है, भाई पोर्ट्रेट मोड बैकग्राउंड ब्लर वीडियो रिकॉर्डिंग होता है क्या?
ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये Realme 12 Pro Plus से शूट हो रहा है, तो आप बताइए क्वालिटी कैसा है। और इसी तरह से 1080p 30fps और 60fps में इस तरह से काम करता है। अगली अपडेट आ रही है Xiaomi 15 के तरफ से, ऐसा बताया जा रहा है कि Snapdragon 8 Generation 4 के साथ ये फोन बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। अगली अपडेट आ रही है Realme Pad 2 Lite, ऐसा बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, जिसमें डायमेंसिटी का कोई प्रोसेसर होगा लेकिन रिवील नहीं हुई है। 2K डिस्प्ले, 11 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है Realme का P2 Pro Geekbench पे लिस्ट हो गया Snapdragon 7 जनरेशन 7S Gen 2 के साथ। वहीं साथ ही साथ इसमें 5200 mAh की बैटरी, 80 वाट का फास्ट चार्जिंग, कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है ये, और ये जो है 12/256 GB इंटरनल और 12/512 GB इंटरनल मेमोरी के साथ भी लॉन्च होगा। वैक्यूम कूलिंग चैम्बर सबसे बड़ा इसमें दिया जाएगा, इस तरह की कुछ अपडेट है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग का S24 FE, इसका प्राइस जो है प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा सा महंगा होगा, इस तरह की कुछ अपडेट है। लेकिन अगली अपडेट सैमसंग का S25 अल्ट्रा, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो फोन है इसका वाइड एंगल थोड़ा सा वीक रहता था, तो लेकिन इस बार जो है 200 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस दिया जाएगा, मतलब कितना वाइड होगा ये कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है वीवो का X200 और X200 Pro, ये जो फोन है अक्टूबर में लॉन्च हो जाएगा, इसकी टीजर आ चुकी है। वहीं बात करते हैं जियो का जियो प्राइम 2, ये जो है 2799 रुपए में एक फोन लॉन्च हो गया है जियो प्राइम 2, जो ऐसा बताया जा रहा है कि इंटरनेट को काफ़ी अच्छा से आप यूटिलाइज कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें रन करेगी। इससे पहले वाला जो था उतना अच्छा से काम नहीं करता था, लेकिन ये जबरदस्त रहेगा। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड कमेंट में। अगली अपडेट आ रही है इन्फिनिक्स का 045G, 18 सितंबर को ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इसमें मिलने वाला है हीलियो का G100 का प्रोसेसर, एमोलेड डिस्प्ले 6.79 इंच का, और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज रहेगा या 144 हर्ट्ज रहेगा लीक्स के हिसाब से। यहाँ पर बात करते हैं 108+2+50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 50 का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग। क्या लगता है कितने प्राइस में ये लॉन्च होगा कमेंट। अगली अपडेट आ रही है टेक्नो स्पार्क 30C, ये जो फोन है हीलियो का G81 प्रोसेसर के साथ 120 हर्ट्ज के साथ लॉन्च होगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल। तो दोस्तों टेक न्यूज होता है खत्म, उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।